बेटा हुण आपां 10वीं क्लास का अध्याय 4 दो घाती समीकरण जां क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करन जा रहे हां। सब तो पहले सानू पता होना चाहिए कि दो घाती समीकरण हुंदी की है। बेटा दो घाती समीकरण वो समीकरण है जिसकी घात दो हुंदी है। इस तरह मैं लिखिया ध्यान देखो, एक दो घाती समीकरण ए एक्स की घात दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर जीरो के रूप में हुंदी है, जिथे ए बी सी वास्तविक संख्यावां हन तो ए कदे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जे ए जीरो हो गया तो एक्स की दो का वजूद खत्म हो जाएगा तो साडे कोल एक्स बचेगा, जिसनों असी दो घाती नहीं फिर एक घाती रेखी समीकरण कहांगे। ठीक है, रेखी समीकरण होंगी है जिसकी एक घात होंगी है। आ जिहड़ा दो अख इन्ना जिहा अखर रेखी समीकरण है, घात दो दे आन करके की बन गई, दो घाती समीकरण बन चुकी है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉन जीरो। इंग्लिश विच असी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दी है कि देखो घात दो का होना जरूरी है, तिन्नी संख्यावां का होना जरूरी नहीं है। तिन्नी संख्यावां भी है, एक्स की घात दो जमा दो एक्स जमा एक ता भी दो घाती समीकरण होगी, एक्स की घात दो तो बाद सीधा ही माइनस एक आ गया, एक्स वाली रकम नहीं है फिर भी दो घाती समीकरण है, ये चार एक्स की दो जमा अठ एक्स जमा कुछ नहीं है फिर भी ये दो घाती समीकरण है, क्योंकि इसकी सब तो वड्डी घात दो है। हुण असीं अभ्यास 4.1 शुरू करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है बेटा। इस विच साडा टॉपिक 1 जिहड़ा है वह है दित्ती समीकरण दो घाती समीकरण है जां नहीं, इस बारे पता करना है कि जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिहड़ी भी इक्वेशन सानूं गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हुणे मैं तुहानूं समझा के चुक्या है कि जे किसी समीकरण की वड्डी तो वड्डी घात दो होवे तां उस समीकरण नूं असीं दो घाती समीकरण कहने आ। तो हुण आपां इस सवाल नूं हल करन लग गए, ध्यान देखो। सब तो पहले इस सवाल दे विच ध्यान नाल देखो, तुसीं एक ब्रैकेट दे उत्ते घात दो लगी है। असीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास दे विच आ फार्मूला चंगी तरह याद कर चुके हाँ कि जदों भी ब्रैकेट दे उत्ते घात दो होवे, अंदर दो रकमां होण, ए जमा बी जां ए माइनस बी, इहदा फार्मूला हुंदा है ए दी घात दो जमा बी दी घात दो जमा दो ए बी। ये फॉर्मूला सानू चंगी तरह आता है। हुण साडे कोल ए जो है एक्स है तो बी जिहड़ा है वह वन है, इहदा मतलब ए दी घात दो जमा बी दी घात दो जमा दो ए बी, फिर बराबर इहदा चिन्ह लग गया। फिर इस दो ने जो इस घर में जाना है, इस ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो हर मैंबर नू मिलना है। दो सब तो पहला एक्स नू मिलेगा, बन जाएगा दो एक्स, फिर दो मिलेगा तीन नू, माइनस तीन दुनी छे बन जाएगा। लगी समझ? हुण एक्स के उत्ते घात दो आ चुकी है, एक के उत्ते घात दो का मतलब है एक गुणा एक जो कि एक ही हुंदा है, जमा दो गुणा एक्स हुंदा है दो एक्स, बराबरे दो एक्स माइनस छे। जो सारिया ब्रैकटा खुल गई उदो सज्जे हाथ तो सारी रकम को खब्बे हाथ लैके आना है। तुसी ध्यान नाल देखियो, एक्स की घात दो जमा एक जमा दो एक्स, हुण इस दो एक्स नूं तुसी इधर लैके आओगे तो माइनस दे हो जाएंगे, इस छे नूं जे इधर लैके आओगे तो वह प्लस दे हो जाएंगे, क्योंकि जो सज्जे हाथ तो खब्बे हाथ रकम जाती है तो वो अगला साइन चेंज हो जाता है। ये दो एक्स तो दो एक्स कटे गए, एक तो छे सत्त हो गए, एक्स की घात दो जमा सत्त बराबर के दे आ गया बेटा जीरो दे। हुण दसो घात किन्नी है, वड्डी तो वड्डी घात तुहाडे कोल किन्नी है दो। घात नूं आपां जिहड़ा इंग्लिश विच की लिखांगे डिग्री, इत्थे आपां डिग्री लिखांगे किन्नी आ गई है दो, तो फिर की लिखांगे हाँ यह दो घाती समीकरण है। देख सकते हो आप लिख चुके हैं कि हाँ यह दो घाती समीकरण है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह तुसी सारे सवालों नू बेटा हल करना है, सारे सवालों के विच ब्रैकटा नू सोल्व करके सज्जे हथ दीआं रकमां नू खब्बे हथ लैके आना है, ते जेकर सारा हल करन तो बाद घात दो बचती है इसका मतलब है कि दो घाती समीकरण होवेगी। हुण आपां इहदा दूजा भाग करन लगे हैं, ध्यान नाल देखना है बेटा। देखो बेटा हुण असीं इसका दूजा भाग करन जा रहे हैं, एक्स की दो माइनस दो एक्स बराबरे माइनस दो ब्रैकेट विच तीन माइनस एक्स। सब तो पहला एक्स की घात दो तो सेम ही रहेगी जो है, माइनस दो एक्स भी सेम उस तरह रहेगा, बराबरे का चिन्ह भी लग गया है।
हुण माइनस दो उस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो माइनस दो की बन जाएगा बेटा, ये माइनस दो तीन दे कोल गया कि बन गया माइनस दे छे। हुण ये वाला माइनस दो जदों माइनस दे एक्स कोल गया तो किन्ने माइनस हो गए बेटा, दो माइनस हो गए ना, तो माइनस माइनस की बन गया प्लस, तो दो कि गुणा होएगा एक्स नाल कि बन गया दो एक्स। ध्यान देखना है जदों भी कोई दो रकमों गुणा करते हाँ तीन दुनी छे तो इन दोनों के कोल माइनस एक सीगा इस करके माइनस लगा, लेकिन जो ये दो नाल एक्स गुणा किया गया दो एक्स पर इन दोनों को दो माइनस सके इस करके लग गया प्लस। हुण सज्जे हथ दीआं सारीआं रकमां नूं आपां खब्बे हथ लैके आना हुंदा है तो एक्स की घात दो माइनस दो एक्स तो सेम ही लिखांगे। हुण आ छे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, दो एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो सज्जे घर कुछ भी नहीं बचिया तो की होएगा जीरो। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी एक्स की घात दो वाला अखर एक्स की घात दो नाल ही हल होवेगा, इस करके एक्स की घात दो कल्ली है, एक्स वाले अखर साढ़े कोल दो ने बेटा, दो एक्स माइनस का ये दो एक्स भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बिल्कुल ठीक, तो दोनों प्लस हो गए किन्ने हो गए चार एक्स, तो जो दोनों ही प्लस होए ने दोनों के साइन माइनस ने तो आंसर का साइन भी माइनस का ही होंदा है प्लस छे बराबर जीरो। हुण असी देखना है कि साड़ी वड्डी तो वड्डी घात किन्नी है, तुसीं देख सकते हो साड़ी घात दो है जिसनों इंग्लिश में अच्छी की लिखते हैं डिग्री, साड़ी डिग्री जिहड़ी है वह दो आ चुकी है, इहदा मतलब हाँ यह समीकरण दो घाती समीकरण होवेगी। हाँ मैं लिख चुका ध्यान देख लो कि जिसकी घात दो आ जाए तो वह समीकरण दो घाती समीकरण होंगी है। हुण आपां इहदा तीजा भाग करन लगे हाँ, ध्यान देखना है बेटा, हुण साढ़े कोल जिहड़ा तीजा भाग देखो एक्स माइनस दो एक्स जमा एक, एक्स माइनस सिक्स एक्स जमा तीन है। हुण ये दो ब्रैकटा है तो इनू मैं गुणा करनी तुहानूं सिखाई है बहुत अच्छे तरीके, ये असी दो फैमिली मानते हाँ दो कमरे हाँ, इस फैमिली का पहला मैंबर कौन है एक्स है, इस फैमिली का पहला मैंबर हुण जा रहा है उस फैमिली दे घर दे विच, ते ओ घर पूरा तुहाडे सामने लिखा जाएगा एक्स ते आवला कमरा, फिर कि वारी आऊगी माइनस दो की, फिर माइनस दो लिखा गया ते पूरा का पूरा कमरा दूजा, पहले अखर नाल ब्रैकेट पूरी दूजे अखर नाल भी पूरी ब्रैकेट, इस तरह सज्जे हथ एक्स दे नाल पूरी ब्रैकेट, फिर माइनस एक बेटा जो भी साइन है जे प्लस एक है तो प्लस एक लगना है, माइनस एक है तो माइनस एक लगना है, माइनस एक दे नाल पूरी ब्रैकेट, पहला स्टेप क्लीयर हो गया बेटा कि पहले अखर नाल पूरी ब्रैकेट दूजे अखर नाल पूरी ब्रैकेट, इस तरह आपां सज्जे हथ किया है। हुण ये वाला एक्स इस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, सब तो पहला वाला एक्स इस एक्स नूं मिलेगा, एक्स ने एक्स नाल गुणा की तो एक्स की घात हो गई दो, याद रखना है गुणा करते वेले घात वधदी है बेटा, दो एक्स नहीं लिखना, कई बच्चे एक्स गुणा एक्स दो एक्स लिखते हैं वो जोड़ते वेले लिखते हैं, एक्स नू एक्स नाल गुणा करके की बनता है एक्स की घात दो, एक्स नू एक नाल गुणा किया है तो एक एक्स, माइनस दे दो नू एक्स नाल गुणा करन लगे हैं माइनस दे दो एक्स, लग रही समझ, माइनस दे दो नू एक नाल गुणा करन लगे हैं माइनस दे ही दो आ गया क्योंकि एक नाल जिस मर्जी नू गुणा करो सेम आ जाता है, एक्स फिर एक्स नाल गुणा होने लगा है एक्स की घात दो बन गया ठीक है। हुण एक्स बेटा तीन नाल गुणा हो रहा है तो की लिखोगे प्लस दे तीन एक्स, हुण माइनस एक ने एक्स नाल गुणा होना है माइनस एक एक्स, माइनस एक ने तीन नाल गुणा होना है माइनस दे तीन, तो इस तरह साड़ी सारिया ब्रैकटा खुल चुकिया हैं। हुण तुसी की करना है ध्यान देखो एक्स की घात दो आ दो रकमां एक्स दियां ने ठीक है ना, तो जैदा करो पहले सज्जे हथ नूं खब्बे हथ ले आने हैं, पूरा खब्बा हथ सेम लिख लेने हैं बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना, असी सेम उतार लिया है। हुण सारी चारे रकमों नूं आपां खब्बे हथ लैके आवांगे तो इन्हां दे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक्स दी दो प्लस का है माइनस का हो गया, ध्यान रखना बेटा प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया बराबर जीरो। हुण देखो एक्स की घात दो दे नाल एक्स की घात दो कट गया क्योंकि एक प्लस का है तो एक माइनस का है ठीक है ना। हुण ध्यान देखना है तुसी साढ़े कोल जिहड़ी घात है दो बची है नहीं बची ना, तो सीधा ही लिख दो कि साड़ी जिहड़ी घात है हुण दो दे बराबर नहीं है, साड़ी जिहड़ी डिग्री है हुण दो नहीं है हुण एक है, साड़ी डिग्री हुण एक नहीं है सॉरी दो नहीं है, तो की लिखोगे यह दो काती समीकरण
नहीं है। वेरी, इस तरह से लिख लिया है कि इस समीकरण के दो घात खत्म हो चुकी है, यह मतलब ये दो घाती समीकरण नहीं हो सकती। उन्हें पता 14 पा करन लगे हैं, ध्यान देखियो। देखो बेटा बिल्कुल सेम सवाल है, उसी तरीके ना करांगे। पहला मैंबर साढ़े को है एक्स, तो दूजी ब्रैकेट पूरी 2x जमा 1, फिर दूजा मैंबर है माइनस दे 3, तो ब्रैकेट केड़ी है पूरी दी पूरी 2x जमा 1, बराबर का चिन्ह आ गया। इतने बेटा एक्स कला ही है, उस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, एक्स नू एक्स नाल मिला तो एक्स की घात 2 बन गई, एक्स 5 नाल मिलिया तो बन गया 5x। समझ लग गई, इतने ब्रैकेट 2 सी, इस करके ब्रैकेट खोली है, इतने ब्रैकेट 2 का मैंबर एको ही है, तो वह मैंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हुण एक्स जो इधर मिलू मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान ना देखना है, 2 तो इधर ही रहेगा, एक्स ते एक्स गुणा होकर एक्स की घात की बन जाएंगे 2, फिर एक्स 1 नू मिलेगा 1x, माइनस 3 इनू मिलेगा माइनस दे 6x बन गए, माइनस 3 1 नू मिलेगा माइनस दा 3 हो गए। सज्जे हथ तो खब्बे रकम भेजनी है माइनस एक्स की 2 ते माइनस 5x बराबरे 0, सारी रकम आप खब्बे हथ ले आए हैं। हुण देखो 2x की 2 ते 1x की 2, 2x की 2 प्लस दा है, 1x की 2 माइनस दा है, प्लस माइनस माइनस 2 दे विचों 1 कटाए, 1x की 2 साढ़े को बच गया ना। हुण x वाली रकम देखते हैं, 6x ते 5x कि है माइनस दा है, किन्ने हो गए माइनस माइनस, प्लस किन्ने हो गए 11x, तो 1x साढ़े को प्लस दा है, तो किन्ने बच गए 10x, वह भी वड्डी रकम माइनस की है, माइनस दे 3 बराबर 0। पहली गल जो सूँ इतें ही पता लग गया सी, साडे कोल एक्स की घात 2 बच गई है, यदा मतलब सूँ ये पता लग गया कि साड़ी जी घात है वह 2 आ गई है। तो जे घात बेटा 2 आ गई है, यदा मतलब ये जी दिती समीकरण है ये साडे कोल 2 घाती होगी। आप लिख लिया है, हुण आपां इहदा 5वां भाग करन जा रहे हैं, ध्यान दिखना बेटा। देखो ये फिर दोबारा साडे कोल 2 ब्रैकटा ने, सब तो पहला मैंबर साडे कोल किहड़ा है 2x, दूजी ब्रैकेट एक्स माइनस 3, दूजा मैंबर है साडे कोल माइनस 1, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस 3, फिर बराबरे का चिन्ह, फिर पहला मैंबर साडे कोल कौन है एक्स, तो ब्रैकेट है एक्स माइनस 1, दूजा मैंबर साडे कोल है प्लस का 5, ब्रैकेट एक्स माइनस 1। इस तरह असी सब तो पहला इस ब्रैकेट नू खोलते हाँ। हुण 2x एक्स नू गुणा करन जा रहा है, 2 ने तो इधर ही रहना है, एक्स ते एक्स मिलके एक्स की घात 2 बन जाएंगे बेटा, साइन माइनस का है, 2 तिया 6 दे नाल लगेगा एक्स, समझ आ रहा है। माइनस 1 नू एक्स नाल किया माइनस का 1x बन गया, माइनस 1 नू माइनस 3 नाल किया 2 माइनस बन गए, इस करके प्लस का 3 हो गया बेटा। दैन एक्स फिर एक्स नू मिलिया है, एक्स की घात 2 बन चुकी है, एक्स 1 नू मिलिया है तो माइनस का 1x आया क्योंकि माइनस लगी है, जमा 5x, 5 माइनस 1 मिल रहा था, माइनस दे 5 आ चुके हैं, ठीक है बेटा। हुण फिर वही तरीका, खब्बे हथ वाली रकमों सेम उतार देना है, तो सज्जे हथ वाली रकमों आप इधर शिफ्ट करना है, एक्स की घात 2 के मोहरे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मनते हाँ, इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस है तो प्लस बन गया, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, बराबर है 0। तुसीं सिर्फ एक्स की घात 2 देखनी है बेटा, इधर 2x की 2 ने, इधर कुछ नहीं है, तो फिर एक मनते ना आप 1x की 2 है, 2x की 2 के 1x की 2 घट रहे, मतलब एक्स की 2 बच गया थोड़े को, मतलब घात 2 आएगी। बाकी सवाल हल करना है, जे ना भी किया सानू ये पता लग गया है कि यह 2 घाती समीकरण है। तो देखो 1x साडा कटिया गया है, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, 6 माइनस का है 6x, तो 5x भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, इस करके 11x हो गए ने, बचिया 5 तो 3 हो गए ने 8। तो साफ पहले ही पता लग गया से सानू कि इस समीकरण की जी घात है वह कि बराबर है 2 के बराबर है, तो जिस समीकरण की घात बेटा 2 के बराबर आ जाए उस समीकरण जी है 2 घाती समीकरण होंगी है। तो इस तरह साढ़े पहले सवाल के बेटा 5 भाग पूरे हो गए हैं, उम्मीद है तुहानू वधिया तरीके समझ आ रहा है, तो मैं इसे तरीके ही तुहानू वधिया तरीके समझाने की कोशिश करता रहूँगा। जे तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी, तुहानू मेरी वीडियो तो समझ आ रहा है, तो उसनू लाइक करना ना भुल्यो,